दोस्तों आज आपके सामने है यामा का 2022 न्यू लॉन्च एरोक्स 155 स्पोर्ट्स मैक्सी स्कूटर रेसिंग ब्लू कलर के साथ। कंपनी ने इसमें R15 का इंजन दिया है जिससे दमदार पावर और पिकअप मिल सके। ये है इसका दूसरा बर्मिलियन ग्रे कलर और ये है इसका तीसरा मेटालिक ब्लैक कलर। प्राइस की बात करें तो 1,65,719 रुपये इसकी ऑन रोड कीमत है कोलकाता में। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का विंडशील्ड का ग्लास मिलता है, इसमें आपको ब्लू कोड टेक्नोलॉजी मिल जाती है। इसके जो लीवर है वो यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम के दिए गए हैं। यहाँ पर आपको यामा का लोगो मिल जाता है, फुली मैट ब्लैक फिनिश मिल जाती है और एरोक्स का यहाँ पर आपको स्टिकर मिल जाता है। साइड में आपको यामा का स्टिकर, इसमें 3D का कोई भी एम्बलेम यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके फ्रंट लुक को बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने इसमें 4 LED पोजीशन लाइट का इस्तेमाल किया गया है। नीचे में आपको स्प्लिट LED हेडलाइट का सेटअप मिल जाता है। तो इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले मैं स्कूटर को यहाँ से सेल्फ स्टार्ट करके ऑन कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं स्कूटर ऑन हो चुका है और इंजन के ऑन होने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी जो लो बीम है वो यहाँ पर आपको स्प्लिट में मिल जाती है। अभी मैं इसकी हाई बीम को भी ऑन कर देता हूँ। इसकी हेडलाइट को फुल ऑन होने के बाद इस स्कूटर में आपको काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर आपको रोड प्रेजेंस मिलने वाली है जब भी आप इस स्कूटर को रात में चलाएँगे। नीचे में आपको हेलोजन इंडिकेटर मिल जाते हैं। इस स्कूटर का जो आगे वाला मडगार्ड है वो यहाँ पर आपको ब्लू कलर में मिलता है जिसको 2 पीस में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको ABS का स्टिकर मिल जाता है। 230 mm डायमीटर की डिस्क मिल जाती है सिंगल चैनल ABS के साथ और 110/80/14 के यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। 14 इंच के यहाँ पर आपको एलॉय व्हील और टेलीस्कोपिक फॉर्क टाइप के सस्पेंशन दिए गए हैं। इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर 155 लिक्विड कूल्ड का स्टिकर दिया गया है डुअल टोन कलर के साथ। 145 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है और यहाँ पर आपको राइडर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल स्पेस मिल जाता है जिससे राइडर यहाँ पर आसानी से पैरों को रखकर इस स्कूटर को काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से ड्राइव कर सकता है। यहाँ पर आपको एरोक्स और PVA का स्टिकर मिल जाता है। यही वाली टेक्नोलॉजी सेम आपको R15 की सभी वेरिएंट में देखने को मिल जाती है। इस स्कूटर में आपको 5.5 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है जिसको सेंटर की तरफ में इंस्टॉल किया गया है। यहाँ से आप इसके फ्यूल टैंक के कैप को आसानी से ओपन कर सकते हैं जिसको स्विच के द्वारा यहाँ पर आपको 2 स्विच मिल जाते हैं और दूसरे वाले स्विच से आप इसके बूट को ओपन कर सकते हैं। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको एक यूटिलिटी बॉक्स मिल जाता है जिसमें आपको 12 वोल्ट का मोबाइल का यहाँ पर आपको चार्जिंग का सॉकेट लगाने के लिए स्पेस मिलता है। इसी के अंदर आप अपने मोबाइल को रखकर आसानी से बहुत ही सेफ तरीके से मोबाइल को चार्ज कर पाएंगे। इसके मीटर कंसोल की बात करें तो इसमें मल्टी फंक्शन नेगेटिव LCD डिस्प्ले का यहाँ पर आपको सेटअप मिल जाता है जिसके नीचे में आपको इंजन माल फंक्शन और यहाँ पर आपको ऑटो मोड की एक इंडिकेशन लाइट मिलती है फ्यूल एफिशिएंट करने के लिए। यहाँ पर आपको एक इंजन हीटिंग टेम्परेचर की वार्निंग, यहाँ पर आपको यामा का लोगो, ABS की लाइट और साइड में आपको टर्न इंडिकेटर की इंडिकेशन मिलती है। यहाँ पर आपको RPM मीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज मिल जाता है, यहाँ पर आपको ट्रिम मीटर, ओडोमीटर, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, यहाँ पर आपको फ्यूल की रीडिंग, यहाँ पर आपको डिजिटल क्लॉक और वी बेल्ट की यहाँ पर आपको वार्निंग और इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्ट मिलता है जिसमें आपको SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट और मिस कॉल अलर्ट और इसके साथ ही इसमें आपको BBA अलर्ट मिल जाता है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास इसमें आपको टॉप स्पीड मिलती है। कुछ इस टाइप के यहाँ पर आपको साइड मिरर मिलते हैं। यहाँ पर आपको पासिंग स्विच, अपर डिपर इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच मिल जाता है। इसके दूसरी साइड में आपको ऑटो मोड का यहाँ पर आपको स्विच मिलता है। यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट का एक बटन मिल जाता है। अब मैं आपको इसके एग्जॉस्ट के साउंड को यहाँ से चेकआउट करा देता हूँ। तो दोस्तों आपको इसके एग्जॉस्ट का साउंड कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके सीट कंफर्ट की बात करें तो इस स्कूटर में आपको 2 पोजीशन सीट मिल जाती है राइडर और पिलियन के लिए जिसमें आपको 790 mm की सीट हाइट मिल जाती है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है लो हाइट वालों के लिए। और साइड में आपको 155 का यहाँ पर आपको स्टिकरिंग मिल जाती है जिसमें ग्लॉसी ब्लू फिनिश का इस्तेमाल किया गया। इसके जो ग्रैब हैंडल हैं उसको इसकी बॉडी में ही अटैच किया गया। यहाँ से आप इसको कुछ इस तरह से पकड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर और रियर में आपको यूनिट स्विंग टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि नॉन एडजस्टेबल हैं। इसके पीछे वाले टायर के साइज़ की बात करें तो इसके रियर में 140/70/14 का यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। इसका जो पीछे वाला टायर है वो काफ़ी वाइड और काफ़ी चौड़ा दिया गया है जिसको काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ इसमें पेश किया है। इसके एग्जॉस्ट के ऊपर आपको मफलर गार्ड मिलता है और यहाँ पर दिया गया है इसका रेडिएटर कूलिंग सिस्टम जिसमें आपको लिक्विड कूल्ड वाली टेक्नोलॉजी मिल जाती है। अभी चलते हैं इसके रियर सेक्शन की तरफ। तो इस स्कूटर में आपको
कुछ इस तरह की रियर की प्रोफाइल मिलती है। ऊपर में आपको यामा का लोगो मिल जाता है, एलईडी यहाँ पर आपको टेल लाइट मिल जाती है। इसके जो इंडिकेटर हैं वो यहाँ पर आपको वही R15 वाले मिल जाते हैं। नीचे में आपको रिफ्लेक्टर 130mm की इस स्कूटर में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलता है सिंगल चैनल ABS के साथ। और यहाँ से आप इसके सस्पेंशन को देख सकते हैं। इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो इसका एयर फिल्टर दिया गया। इसमें आपको ओनली सेल्फ स्टार्ट मिलता है, किक स्टार्ट का यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। इंजन और पावर की बात करें तो 155cc का लिक्विड कूल्ड 4-stroke 4-valve SOHC FI इंजन दिया है जो 15 PS की पावर देता है 8000 RPM पर और 13.9 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 6500 RPM पर। 126kg इस स्कूटर का कर वेट है। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट और साइड स्टैंड के ऊपर आपको इंजन कट ऑफ का सेंसर मिलता है। तो अब बात करें इसके प्राइस की तो यामा एरोक्स 155 की एक्सोरूम कीमत है 1,37,600 रुपये और इसकी टोटल ऑन रोड कीमत है 1,65,719 रुपये। और यामा रेजेडर 125 स्ट्रीट रैली डिस्क ब्रेक के साथ ऑन रोड कीमत है 1,07,072 रुपये। तनुष्का ऑटो यामा मध्यम ग्राम कोलकाता शोरूम में। अगर आप यामा का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अपनी शहर की ऑन रोड कीमत जानने के लिए अपनी सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। थैंक यू।